SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया? LIC ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। गौतम अडानी पर बड़े कर्जे बकाया है। एक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में अडानी ग्रुप के कुल 2,00,000 करोड़ के कर्जे में से लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ सिर्फ बैंकों से लिया लोन है। इसमें सबसे ज्यादा 27,000 करोड़ रुपए की देनदारी SBI की है, 5,500 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन और LIC का अडानी ग्रुप के डेट और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मित्रकाल में उठाए इस कदम ने अब आम भारतीयों के भविष्य को जोखिम में डाल दिया है। SBI देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जमा की हुई सेविंग्स रखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों में रखे हुए पैसे, जो आपके पैसे हैं, उनको खतरे में कौन डाल रहा है? अदानी ग्रुप को सहायता देने के लिए और नुकसान से बचाने के लिए LIC और SBI से जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। आप जो दिन रात एक करके अपना घर परिवार चलाते हो, जो ईमानदारी और मेहनत करके कमाते हो, आप जो LIC और SBI में अपना पैसा रखते हो, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना? तो मेरा सवाल आपसे है, अदानी के नुकसान को भरने के लिए आपके पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं? दिसंबर की शुरुआत में 3 प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने SBI को ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप की कंट्रोवर्शियल कारमाइकल कोल माइन के लिए लोन देने के खिलाफ चेतावनी दी थी। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार नवंबर 2020 में SBI अडानी ग्रुप को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, साल 2014 में अडानी और उस वक्त की SBI चीफ के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। SBI के चीफ आपके पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं या फिर अदानी के बिजनेस को? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बीमा कंपनी LIC का अडानी समूह में पूरे बीमा इंडस्ट्री के कुल निवेश का 98% से अधिक हिस्सा है। LIC ने खतरों से भरे अदानी ग्रुप को इतना बड़ा एलोकेशन क्यों किया? प्राइवेट फंड मैनेजर्स जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, उन्होंने भी ये नहीं किया। क्या ये PM का कर्तव्य नहीं कि LIC जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा सुरक्षित रहे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद LIC के शेयर्स की कीमत 50,000 करोड़ रुपए गिर गए। क्या PM 24 जनवरी 2023 के बाद अदानी में निवेश से LIC को हुए असली नुकसान की सच्चाई बताएंगे? LIC के इन्वेस्टमेंट के बाद घबराए हुए अदानी की रिटेल इन्वेस्टर्स की परेशानियों को कम करने के लिए PM क्या कर रहे हैं? ये कोई रहस्य नहीं है कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के एक विशाल चक्रव्यूह का इस्तेमाल करके सामूहिक रूप से अडानी की सार्वजनिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर्स का लेन देन किया और ये अपने व्यापार की साफ जानकारी दिए बिना किया गया है। अदानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों का उपयोग करने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। 4 इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, इनमें से एक SEBI ने किया। इन शेल कंपनियों के पीछे कौन है? जब मार्केट में अदानी ग्रुप के शेयर की कीमत उनके इशू वैल्यू से भी नीचे गिर रही थी, फिर भी LIC और SBI ने FPO में पैसा निवेश किया। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने? जरा सोचिए, इन कंपनियों में लगा सारा पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। ये कंपनियां डूबी तो आपका पैसा भी डूबा, यानी अडानी नहीं, यहां आपका पैसा दांव पर लगा है। सत्ता में बैठे लोगों को आखिर किसने ये अधिकार दिया? हम इसका जवाब लेकर रहेंगे। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में ना सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है।